प्रिय छात्रगण, आज हम आपके पुस्तक में से जो काव्य भाग है उस काव्य भाग के मध्यकालीन काव्य उस सेक्शन में जो पहला पद्य है उसे पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन काव्य में पहला पद्य कबीर दास के दोहे। तो इस पद्य को पढ़ने से पहले हम कुछ मध्यकाल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में तीन प्रकार के समयानुसार इतिहास का विभाजन किया जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल में रीतिकाल और उसके बाद आधुनिक काल। तो भक्ति काल जो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल समय है, भक्ति काल का समय, और उस भक्ति काल में दो प्रकार से भक्ति काल का विभाजन किया जाता है, और एक उसमें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो यह भक्ति काल के दो प्रमुख धाराएं हैं। तो उस भक्ति काल की धारा में सगुण मतलब भगवान का सगुण उपासना करना, सगुण मतलब भगवान के रूप पर, मतलब भगवान को एक निश्चित रूप में कल्पना करके उसके गुण का उपासना, उपासना मतलब पूजा। तो अनेक हमारे भक्ति परंपरा में दो प्रकार की धाराएं हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के लोग क्या करते हैं, भगवान को एक विशिष्ट आकृति में कल्पना करते हैं और उसकी रचना करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। और दूसरी जो धारा आती है निर्गुण भक्त, निर्गुण भक्ति की, और उस निर्गुण मतलब भगवान का कोई आकार रंग रूप नहीं है, भगवान निर्गुण है। वो हर प्रकार के जीव जंतुओं में, चराचर सृष्टि में निराकार रीति से, निराकार मतलब उनका कोई आकार नहीं है, हर घट घट में व्याप्त रहता है परमात्मा। तो निराकार रीति से परमात्मा की आराधना करने वाले तो उनको कहते हैं निर्गुण परंपरा के भक्त लोग। तो इसी भक्ति काल में निर्गुण परंपरा के उपासक मानने वाले या भगवान को निर्गुण रूप में देखने वाले एक महात्मा संत का हम दर्शन करते हैं, और उसी संत का नाम है आज के हमारे कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक आराधक माने जाते हैं। तो हम आज कबीरदास के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपने जब आप हाई स्कूल में थे, 8th में 9th में 10th में 10वीं कक्षा में, शायद आपने कहीं पर भी कबीर को पढ़ा होगा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कबीर को नहीं सुना है। तो इस प्रकार कबीर एक श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं, संत श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इस बार भी हम कबीर के कुछ दोहों की हम अध्ययन करेंगे। तो कबीर के दोहे पढ़ने से पहले कबीर का संक्षिप्त परिचय हमें लेना आवश्यक है। तो कबीर का जन्म, आपके यहाँ पर संक्षिप्त में कवि परिचय दिया गया है, उसे हम पढ़ेंगे, बाद में उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी लेंगे। संत काव्य धारा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीर दास का जन्म काशी में 1399 मतलब 1399 में उत्तर प्रदेश के काशी, जिसे बनारस या वाराणसी
कहा जाता है, काशी में इनका जन्म होता है। नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति ने आपका पालन पोषण किया है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया पालन पोषण किया है, इसका मतलब यह है कि नीरू और नीमा उनके जन्मदाता नहीं थे, सिर्फ उन्होंने उनका पालन पोषण किया है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। वे जुलाहे दंपति थे, कबीर अनपढ़ थे किंतु वे आत्मज्ञानी थे। रामानंद जी की शिक्षाओं से प्रभावित कबीर दास जी को कुछ लोग रामानंद का ही शिष्य मानते हैं। एक दूसरा मत है उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य मानते हैं। कहूँ कबीर में सो गुरु पाया, जा का नाम विवेक रे, के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि कबीर दास जी किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं थे। आपने हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक एवं आत्मिक परिष्कार, शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी आदि पर बल दिया है। आपकी मृत्यु सन 1517 में मगहर नामक स्थान में हुई। तो कबीर दास की प्रमुख रचनाएं तीन भागों में विभक्त हैं, साखी, सबद, रमैनी, जो बीजक नामक ग्रंथ से संकलित है। कबीर की भाषा को प्रायः खिचड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि के शब्द पाए जाते हैं। आपके प्रमुख शिष्य धर्मदास जी ने बीजक का संग्रह किया था। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीति परक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। तो यहाँ पर कबीर का संक्षिप्त परिचय हमें मिलता है। तो कबीर के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि कबीर केवल हमारे भारत के लिए नहीं, कबीर संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण जागतिक क्षेत्र में उन्होंने एक महान क्रांति उत्पन्न की है। इसीलिए कबीर एक श्रेष्ठ संत के रूप में विश्व में उनका नाम लिया जाता है। तो कबीर का जन्म एक विशिष्ट परिस्थिति में होता है। तो कबीर वहाँ पर आपको पुस्तक में दिया कि नीरू और नीमा नामक दंपतियों ने, जुलाहे दंपति, जुलाहे यानी ये बुनकारी का काम करने वाले, कंबल बुनने वाले, और उस वक्त कंबल बुनने वाले जुलाहे परिवार को, जुलाहे वंश को बहुत ही निम्न जाति कहा जाता था। उस वक्त कबीर के जमाने में हमारे समाज में जाति पद्धति की बहुत जोर शोर से एक रूढ़ी अंधविश्वास चल रहा था। तो ऐसे जुलाहे दंपति, वो मुसलमान थे जुलाहे दंपति, उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। तो जन्मदाता कौन थे कबीर के, इसके बारे में देखें तो कबीर इतिहासकार बताते हैं कि कबीर एक ब्राह्मण विधवा के गर्भ से जन्मे हुए संतान हैं। तो जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक मुसलमानी परिवार में उनका पालन पोषण होता है। तो ब्राह्मण विधवा जब इस शिशु को जन्म देती है तो वह क्या करती है, इस शिशु को लोक लाज से, उस शिशु को लहर तारा नामक एक तालाब में, वो एक टोकरी में उस शिशु को सुलाकर वह उसको क्या करती है, छोड़ देती है, त्याग देती है। हमने महाभारत में कर्ण की कहानी को सुनी है। कर्ण, कर्ण की जन्म वृत्तांत, कर्ण का जन्म वृत्तांत बहुत ही विस्मयकारी है, और पूरे महाभारत में अगर अनलकी है कोई तो वह कर्ण है ना? क्योंकि पांडवों के वंश में जन्म लेने पर भी वह सब प्रकार के क्या है, सुख सुविधाओं से वंचित रहा। कारण, कुंती ने क्या किया था, कुंती जब कन्या थी, सूर्य देव के मंत्र की
टेस्ट करने के लिए उसने क्या किया था, उस मंत्र का जाप किया था जिस मंत्र को सूर्य देव ने उनको बताया था, और उस मंत्र को टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए उन्होंने उस मंत्र का जाप किया, तो कवच कुंडल सहित कर्ण का जन्म हो जाता है। उस वक्त महाभारत में हमने देखा है, तुरंत कुंती को, राजकुमारी कुंती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने क्या किया। क्यों उसको लगता है? क्योंकि इस शिशु को अगर समाज देखेगा तो एक कन्या ने शिशु का जन्म दिया तो कुंती पर सारी दुनिया शक करेगी, इसलिए वह क्या करती है, हमने महाभारत में देखा है, उस शिशु को वह तालाब में छोड़ देती है। और वह शिशु एक रथ चलाने वाले वंश के लोगों को मिल जाता है और उस शिशु का पालन पोषण वो लोग करते हैं। तो लगभग वही परिस्थिति हमारे कबीर की थी। तो कबीर एक ब्राह्मण विधवा, कन्या नहीं थी वो, विधवा थी, पति गुजर चुके थे, वह ब्राह्मण विधवा थी। तो वह पति के संदर्भ में जब वो गर्भवती थी तो पति बीच में गुजर जाते हैं तो शिशु का जन्म हो जाता है, और उस वक्त समाज विधवाओं को बहुत ही नीच दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखा करता था। इसलिए उस औरत ने क्या किया, उस शिशु को लहर तारा नामक, वहाँ पर एक छोटा सा तालाब बहता था, उस तालाब में उस शिशु को क्या किया, उसने त्याग दिया, छोड़ दिया। तो वह शिशु एक दंपति को मिल जाता है और वो दंपति वही हमारे नीरू और नीमा, जुलाहे दंपति नीरू और नीमा। तो नीरू और नीमा उस वक्त निसंतान थे, शायद उनकी अल्लाह की देन थी, अल्लाह से प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि कोई शिशु उन्हें दें, लेकिन कोई शिशु उनको लभ्य नहीं था। तो इस वक्त टोकरी में तैरते आते हुए उस शिशु को देखते हैं वो, और वो क्या करते हैं, उसका पालन पोषण बड़े खुशी से, अल्लाह का प्रसाद मानकर उस शिशु का पालन पोषण वो लोग करते हैं। तो इस प्रकार कबीर का जन्म हिंदू परिवार में और पालन पोषण मुसलमानी परिवार में होता है। तो इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि कबीर दास दो धर्मों के बीच की कड़ी हैं। कैसे, वो हम जान गए, जन्म और पालन पोषण, तो दोनों धर्म के तत्वों को, दोनों धर्म के उद्देश्यों को, ध्येयों को उन्होंने समन्वयित करके दुनिया को दिखाया है। इसीलिए कबीर दास अपने आप को कहते थे कि मेरा एक विशेष धर्म है, मेरा एक स्पेशल धर्म है, और वह क्या है, ना मैं हिंदू हूं और ना ही मैं मुसलमान हूं, ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, मेरा एक विशेष धर्म है, वह है इंसानियत, मानवीयता। हाँ, तो मानवीयता ही मेरा धर्म है, मैं दोनों को मानता भी हूं और दोनों का तिरस्कार भी करता हूं, दोनों धर्म की नफरत भी करता हूँ, दोनों धर्म की श्रेष्ठता को भी, मतलब जिस धर्म में जो अच्छाई है उसको लेना और जिस धर्म में जो नीच विचार हैं उसके बारे में व्यंग्य करना, निंदा करना, समाज को दिखाना कबीर अपनी रचनाओं के माध्यम से करते थे। इसीलिए कबीर दास दोनों धर्म के बड़े बड़े ये संत, मौलवी, पंडित जो हुआ करते हैं ना, मुसलमानी धर्म ज्ञानी व्यक्तियों को कहते हैं मौलवी, मुसलमानी धार्मिक मुखंडों को कहते हैं मौलवी, और हिंदू धार्मिक मुखंडों को कहते हैं पंडित, संत। तो दोनों धर्म के मौलवी, संत, पंडित जो हुआ करते थे उस वक्त, दोनों लोग कबीर पर क्रोधी थे। क्यों क्रोधी थे? क्योंकि कबीर दोनों धर्म का व्यंग्य करते थे, दोनों धर्म पर उन्होंने, अगर उनके इतिहास को हम देखेंगे तो उन्होंने हिंदू धर्म
क्या व्यंग्य किया, हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा है उसका उन्होंने व्यंग्य किया। हाँ, तो आपको आगे दोहों में आता है, मूर्ति पूजा का व्यंग्य किया और बहु देवता आराधना हिंदू धर्म में है, अनेक प्रकार के देवताओं की आराधना करते हैं, उनका उन्होंने व्यंग्य किया है। हाँ, और उसके बाद मुसलमानी लोगों का रोजा रखना और मुसलमानी लोगों का मस्जिद पर चढ़कर मतलब अल्लाह को आवाज़ देना, तो ये सब उसका भी उन्होंने व्यंग्य किया। मतलब कबीर का कहना है कि आपका भगवान हो या अल्लाह हो, उसको बुलाने के लिए आपको जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, आपका खुदा या आपका भगवान बहरा नहीं है, मन से आप आत्म शुद्धि से उसको बुलाइए। सबसे पहले भगवान की याद करना है तो क्या है, हम में आत्म शुद्धि होनी चाहिए। कबीर कहते हैं कि आज भगवान बहुत चिंतित है कि उनको ईमानदार भक्त नहीं मिल रहा है, भक्ति भक्ति में प्यूरिटी नहीं है, प्योर भक्त नहीं है आज, क्योंकि सब दिखावटी आडंबर आडंबर की भक्ति भगवान नहीं चाहते हैं। मन से उनको एक बार राम कहो या रहीम कहो, अल्लाह कहो या कृष्ण कहो, मन से एक बार आप उसको शुद्ध मन से बुलाइए तो तुम्हारे सामने वो पेश आ जाएंगे। इस तरह तो मूर्ति पूजा का भी उन्होंने वहाँ पर व्यंग्य निंदा की है कि आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि उनका एक दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहार। तो उनका दोहा है पाहन पूजे, इसे आपने सुना होगा, पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहार, तो मैं पूजूं पहार, ताते या चक्की भली, ताते या चक्की भली पीस खाय संसार, पीस खाय, पीस खाय संसार। पीस खाय संसार, तो ये कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है। इस दोहे में उन्होंने क्या बताया है, पाहन पूजे हरि मिले, पाहन याने पत्थर, पाहन याने पत्थर। हम क्या करते हैं, मंदिर में हिंदू लोग मंदिर में शिला की प्रतिमा बनाते हैं, वो चाहे गणेश की हो, चाहे वो दुर्गा की हो, चाहे वो विष्णु की हो, हनुमान की हो, अपने अपने विश्वास के अनुसार प्रत्येक मंदिर हुआ करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो कबीर इस मूर्ति पूजा पर अपना विरोध व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं वो, आप अगर इस पाहन की पूजा करते हैं और आपको आपका विश्वास है कि इस पाहन की पूजा से आपको हरि मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहाड़, पहाड़ यानी पहाड़, मतलब एक छोटे से पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिलता है आपको, तो मैं बड़े पहाड़ की पूजा करूंगा, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पत्थर हुआ करते हैं और उन बड़े बड़े पत्थरों की पूजा करने से मुझे तो ऐसे लगता है कि वो बड़े बड़े पत्थर मेरे लिए इसलिए भगवान है क्योंकि उन पत्थरों से चक्की बनती है। चक्की, चक्की यानी ये पुराने जमाने में दो पार्टियों का एक यंत्र हुआ करता था और बीच में एक होल हुआ करता था, रंध्र, और उस होल में वो क्या करते थे, धान्य गेहूं ज्वार वगैरह डालते थे और ऊपर एक खूंटी हुआ करती थी और उसको यूं पकड़कर उसको क्या करते थे, घुमाते थे। आप लोगों ने देखा होगा, आपके अगर पुराने घर की चीज़ें आपके घर में है तो देखा होगा, उसको कहते हैं चक्की। आजकल सब क्या है,
इलेक्ट्रिक मशीन्स आ चुके हैं, ग्राइंडर मिक्सर आ चुके हैं, आजकल चक्की सब क्या है देखने को नहीं मिल रही है। तो वो मैं चक्की की पूजा करूँगा, क्यों? मेरे लिए चक्की भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि उस चक्की से मुझे आटा मिलता है और उस आटे से मेरी भूख मिटती है। तो यहाँ पर पत्थर मेरे लिए भगवान नहीं है, जो प्रत्यक्ष रूप से मेरी भूख मिटाएगा वह मेरे लिए भगवान है। तो मैं उस चक्की की पूजा करूँगा, उस पहाड़ की पूजा करूँगा, क्योंकि उसी पहाड़ से चक्की बनती है और उसी चक्के से आटा बनता है और उस आटे से मेरी भूख मिटती है। तो प्रत्यक्ष रूप से आपको जिससे मदद मिलती है वो भगवान है। तो इस प्रकार कबीर ने मूर्ति पूजा पर विरोध प्रकट किया है। अनेक उनके दोहे हैं, अनेक दोहे, मुसलमानों का भी उन्होंने विरोध किया, हिंदुओं का भी उन्होंने विरोध किया। तो इस प्रकार विरोध करते करते उन्होंने अनेक बड़े बड़े पहुंचे हुए साधु सन्यासी या मौलवी लोगों के दुश्मन बन गए। तो उन्होंने, वो कट्टर व्यक्ति थे, किसी से डरते नहीं थे, मतलब जैसे जो उनको गलत लगता था उसको वो क्या करते थे, वहाँ पर बेधड़क उस गलती को वो क्या करते थे, प्रकट करते थे। किसी से, मौलवी से भी नहीं डरते थे और पंडितों से भी नहीं डरते थे। तो उस वक्त दोनों धर्म के लोगों के विरोधी बन गए कबीर। तो उस वक्त कबीर को खत्म करने के लिए, क्योंकि दोनों धर्म के लोगों ने शत्रु के रूप में माना था इनको, तो कबीर को खत्म करने के लिए दोनों धर्म के लोगों ने अनेक प्रकार का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास शायद फलित नहीं हुआ। और जब वयोसहज रीति से उनका देहांत हो जाता है, अनेक प्रकार के उनके जीवन काल में उनको अनेक प्रकार से क्या है, उन पर शिकायतें होती रही। उस वक्त राजाओं का जमाना था, राजा के दरबार पर भी उनकी कंप्लेंट जाती रही, लेकिन वो कहते थे मैं किसी को किसी पर डरने वाला नहीं हूँ। और वो तो फकीर थे, वो कहते थे मैं फकीर हूँ, मुझे किसी राजाश्रय की आवश्यकता भी नहीं चाहिए, मैं चार गांव में जाकर भीख मांगकर भी अपनी अपने पेट को मैं भर सकता हूँ, मेरा क्या है, जो गलत है उसको बताना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। इस तरह उन्होंने क्या किया, सबको नकार दिया और निडर होकर अपनी बातें करते रहे। तो जब कबीर की मौत हो जाती है, एक कबीर के इतिहास में एक पुस्तक में बताया गया है कि कबीर की जब मौत हो जाती है तो दोनों धर्म के लोगों ने, मतलब समय होते होते दोनों धर्म को रियलाइज़ हो जाता है, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, दोनों धर्म के लोगों ने रियलाइज़ किया, उनको एक प्रकार से ज्ञानोदय हुआ और वो सोचते हैं कबीर का सोचना बिल्कुल सही था। कब उनको रियलाइज़ हो जाता है, कब रियलाइज़ ज्ञानोदय हो जाता है, जब कबीर की मौत हो जाती है, कबीर की मौत हो जाती है उस वक्त। तो उस वक्त दोनों धर्म के लोगों को वहाँ पर कबीर के शव को लेकर, कबीर के शव को लेकर दोनों धर्म के लोगों में झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। मुसलमान ही कहते हैं कि कबीर का पालन पोषण हमारे धर्म में हुआ था, इसीलिए इस देह का शव संस्कार हम अपने धर्म के मुताबिक करेंगे, मतलब दफनाएंगे। और हिंदू लोग कहते हैं नहीं, आपका धर्म में पालन पोषण हुआ होगा लेकिन कबीर का जन्म हुआ था कहाँ, हिंदू परिवार में, है ना, ब्राह्मण विधवा के परिवार में, तो इसीलिए हम उनका शव संस्कार अग्निकारी के रीति से हम करेंगे हिंदुओं की परंपरा के मुताबिक। तो बहुत देर तक दोनों के बीच में, दोनों धर्म के मुखंडों के बीच में वाद विवाद होता रहा। देखिए इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जब जिंदा रहता है तब उनका मौल्य पता नहीं चलता, मरने के बाद
मरने के बाद उसके मौल्य के बारे में हम झगड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार दोनों धर्म के बीच में वाद विवाद हो जाता है। एक किंवदंती है, कहा जाता है कि कबीर मतलब झगड़ा जब शांत हुआ कुछ देर के बाद, वो लोग दोनों धर्म के मुखंड, जो देह वहाँ पर शव रखा गया था उसके ऊपर के कफन यानी शव के ऊपर ओढ़े जाने वाला सफ़ेद कपड़ा, तो कफन को उठाकर देखते हैं, उस श्वेत वस्त्र को उठाकर देखते हैं, वहाँ पर शव ही नहीं है। आश्चर्य हो जाता है सबको, अरे ये क्या बात हुई, तो क्या है? तो उस जगह पर कुछ चुने हुए फूल मिल जाते हैं, कुछ ताजा ताजा फूल मिल जाते हैं। तो मरने के बाद भी कबीर ने अपनी महात्मा को लोगों के सामने दिखाया, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बताया कि ना मैं हिंदू हूं और ना ही मैं मुसलमान हूं। इसीलिए उन्होंने अपने शव को भी, मतलब उनकी महात्मा, उनकी महिमा, फिर बाद में कहा जाता है कि दोनों धर्म के लोगों ने उस फूल का बंटवारा किया और अपने अपने धर्म की परंपराओं को दोनों ने निभाया। इस प्रकार एक इतिहासकार उनके जीवनी पर लिखे हुए पुस्तक में लिखते हैं, ऐसे महान पहुंचे हुए संत थे कबीर। तो अपने जीवन से लेकर अपनी मृत्यु तक उन्होंने एक विस्मयकारी एक इतिहास को ही क्या है क्रिएट किया। तो ऐसे कबीर, उनके साहित्य के बारे में अगर हम देखें तो अजीब लगता है। तो कबीर का साहित्य, कबीर खुद कहते हैं, उनके दोहों में उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कागज और कलम को छुआ भी नहीं है। कागज और कलम को छुए बगैर साहित्य की रचना करना क्या साध्य है, आप सोच सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भी वो बताते हैं, देखिए उन्होंने उनकी रचनाएं साखी सबद रमैनी तीनों को मिलाकर कहा जाता है, एक ग्रंथ बनाया जाता है जिसका नाम है बीजक। बीजक नामक एक ग्रंथ की रचना वे करते हैं और एक जगह पर वे लिखते हैं कि कागज मसी छुओ नहीं, कलम गद्यो नहीं हाथ। वो खुद बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी कागज और मसी को छुआ नहीं, मसी यानी इंक, मैंने पेन और पेपर पकड़ा ही नहीं है, कलम गद्यो नहीं हाथ। फिर बीजक कैसे बना, साखी कैसे बना, सबद की रचना कैसे की? तो वो स्वयं बताते हैं कि कबीर जो कुछ भी अपने विचारों को व्यक्त करते थे, उन विचारों को उनकी जो बहुत भरपूर उनकी शिष्य मंडली थी, और उनकी शिष्य मंडली वो अक्षर ज्ञानी थे, कबीर अनएजुकेटेड थे, अक्षर ज्ञान उनको नहीं था, लेकिन उनकी शिष्य मंडली वो क्या करती थी, कबीर डिक्टेट करते थे, बताते थे और शिष्य मंडली लिखती जाती थी। तब जाकर उन्होंने बीजक की, मतलब शिष्यों की सहायता से बीजक की रचना करते हैं। इसीलिए कबीर की रचनाओं को आप पढ़ते हैं तो आपको सब प्रकार के भाषाओं का मिश्रण उसमें मिल जाता है। अब हम कबीर की भाषा के बारे में देखेंगे, कबीर की भाषा, किस भाषा में वो लिखते थे, कैसी भाषा थी उनकी। काशी में जन्मे, उत्तर भारत में जन्मने पर भी वो दक्षिण तक उनका क्या है संचार होता है, एक फकीर थे वो, यानी घूमते रहने वाले। तो उनकी भाषा के बारे में कहें तो उनकी भाषा सम्मिश्रित भाषा उनकी भाषा थी, और उस भाषा को एक विचित्र नाम दिया जाता है, खिचड़ी भाषा। खिचड़ी भाषा और साहित्यिक रीति से उसको बताया जाता है सदुक्कड़ी भाषा। तो सदुक्कड़ी या खिचड़ी, खिचड़ी मतलब क्या है,
तीन चार प्रकार के चीजों को मिलाकर जब हम एक व्यंजन बनाते हैं उसको खिचड़ी कहते हैं, मिक्सचर। तो कबीर की भाषा में भी मिक्सचर तो खिचड़ी भाषा, और साहित्यिक रीति से उसे कहते हैं सदुक्कड़ी भाषा के रूप में कहा जाता है। तो कबीर की भाषा, अगर कबीर के बीजक को हम पढ़ते हैं उसमें अनेक प्रकार की भाषाएं हमें सुनने को मिलती हैं। वो कौन सी? राजस्थानी, बुंदेली, और अरबी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, ये सभी उपभाषाएं हैं, हिंदी की उपभाषाएं। भोजपुरी, मैथिली, तो ये सभी भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं मानी जाती हैं, जिसको उत्तर भारत में स्थानीय भाषा कहा जाता है। तो उन स्थानीय भाषाओं को वो उपयोग करते थे। क्यों उन स्थानीय भाषा का उपयोग करते थे वो? कि वो पहले ही कहा है कि वो एक फकीर थे, जगह जगह घूमते थे, है ना। आज उत्तर प्रदेश में गए, तो कल राजस्थान में गए, और फिर महाराष्ट्र में गए, और फिर पंजाब में गए। तो वहाँ की जो भाषाएं, मुख्य भाषाएं, उपभाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, है ना, भाषा को कहा जाता है कि आठ आठ कोस में, तीन तीन कोस में भाषा क्या करती है, बदलती है, है ना। अब हमारे यहाँ के प्रादेशिक भाषा क्या है, भले ही कन्नड़ क्यों ना हो, कन्नड़ में कितनी सारी बोलियां हैं हम जो बोलते हैं, है ना। हम दक्षिण के पास जाते हैं तो उनका स्टाइल अलग, उत्तर के पास, उत्तर कर्नाटक में जाते हैं तो उनका कन्नड़ अलग, है ना। तो इसी प्रकार हिंदी में भी वहाँ पर अलग अलग प्रदेश का अनुसरित वहाँ पर भाषाओं का उपयोग हुआ करता है, और उन सभी भाषाओं पर वो क्या करते थे, अपने विचारों को व्यक्त करते थे। इसीलिए, और उनकी शिष्य मंडली सब भाषाओं को जानती थी, और वो क्या करते थे, उसको लिखते जाते थे, तब जाकर उन्होंने बीजक की रचना की है। तो इसीलिए उनका साहित्य सब भाषाओं का सम्मिश्रित रूप माना जाता है। इसलिए उन्होंने खिचड़ी भाषा में, मिश्रित भाषा में उन्होंने अपने साहित्य की रचना की, ऐसा विचार उनके साहित्य, उनके जीवनी को जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। तो यहाँ पर आपके पुस्तक में जो आपके लिए लगाया गया है, कबीर के दोहे, तो हम अब देखेंगे दोहे। दोहे मतलब क्या है? दोहे यानी दो वाक्यों से जिस पंक्तियों को बनाया जाता है उसको कहते हैं दोहे। तो दो लाइन्स हुआ करते हैं दोहे में। तो दोहे, दो लाइन से बताने वाले रचना दोहे हैं। तो आपके लिए अनेक प्रकार के जो दोहे दिए गए हैं, और उन दोहों को हम पढ़ेंगे, और बाद में कबीर के विचारों के बारे में और हम जानेंगे। ऐसे महात्मा कबीर, श्रेष्ठ संत, जो अनक्षरस्त होकर भी उन्होंने ऐसे एक महान ग्रंथ की रचना की है, और आपके लिए उसे पढ़ने का सौभाग्य मिला है, उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।